गाइस कैसे हैं आप लोग यार। आज जो एडवाइस मुझे आपको देनी है ना, वो आई विश मुझे कॉलेज में किसी ने दे दी होती, या फिर तब तक दे दी होती जब मैं अपनी प्रैक्टिस ओपन करने वाला था। हर वो एस्पायरिंग स्टूडेंट जो ड्रीम करता है अपनी प्रैक्टिस का, या प्रैक्टिशनर जो क्लिनिक ओपन करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, या नए नए करके बैठे हैं, उनके लिए एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडवाइस है आपके क्लिनिकल ग्रोथ की, और इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ग्राफ के टाइप में हम देखते हैं। जैसे कि दो पार्ट्स ग्राफ में एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ घटते हैं, ऐसे ही आपकी क्लिनिकल ग्रोथ इन दो पार्ट्स की वजह से घटेगी या बढ़ेगी। इन दो चीज़ों पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्या है वो दो चीज़ें? तो क्वालिटी ऑफ योर ट्रीटमेंट एंड योर चार्जेस। द स्टूपिडेस्ट एडवाइस जो आपको कोई दे सकता है वो ये होगी कि अपने चार्जेस स्टार्टिंग में कम रखना प्रैक्टिस ओपन करने से पहले, इससे पेशेंट अट्रैक्ट होंगे। दिस इज द स्टूपिडेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव यू। और अगर आपको लगता है ऐसा करने से आपकी क्लिनिकल ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ कि अगर कोई आपके आसपास कर रहा है और वो आपको लग रहा है वो भी ग्रो कर जाएगा, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड चार्जेस, हमेशा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से चार्जेस होते हैं। या तो वो पर्सन क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को कम लेके चल रहा है इसलिए उसके चार्जेस कम है। अगर वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कम लेके चल रहा है तो डेंटिस्ट हर दिन इन्वॉल्व हो रही है। अगर वो स्टेगनेंट ग्रोथ पे रहेगा, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कम ही रखेगा, तो एक दिन, या फिर अगर वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हाई रख रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है क्लिनिक पे, अपने पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, मटेरियल भी अच्छे रख रहा है, और फिर भी कम चार्जेस है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में जा रहा है। लॉस, फ्रस्ट्रेशन, लॉस, फ्रस्ट्रेशन, लॉस, फ्रस्ट्रेशन। तो ये स्टूपिड है। और एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस, कोई भी चीज़ क्लिनिक में फ्री नहीं होगी, कंसल्टेशन भी नहीं। आपके चार्जेस आपकी वैल्यू दिखाते हैं, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो। आपको लगता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर सिर्फ इतनी है कि आप फ्री के एडवाइस दे सके। डॉक्टर क्या होता है? अपना इंटेलेक्ट ही तो बेचता है ना डॉक्टर, अपनी बातें, अपनी एडवाइसेस की तो पैसे होते हैं ना उसके, और किसी चीज़। बिजनेसमैन तो नहीं है ना। तो आपको लगता है कि 50 रुपीज़ आपकी कंसल्टेशन होनी चाहिए, 50 रखिए। एरिया पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, मैं अभी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है 100 रुपये होनी चाहिए, 100 रखिए, 200 होनी चाहिए, 200 रखिए, बट फ्री कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया था ना, तो उनको फ्री कुछ नहीं दिया गया था। इस बात को सीरियसली समझ लीजिए। मेरे क्लिनिक में सिंपल सा रूल है, आइदर एवरीथिंग इज कंप्लीटली फ्री फॉर द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, और एवरी चार्ज इज फिक्स्ड। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्वालिटी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अपनी जान लगा रहा हूँ, अपने अच्छे से अच्छा मटेरियल लगा रहा हूँ, तो मेरे चार्जेस यही हैं। आप करा सकते हैं, आप कराना चाहते हैं आप कराइए, आप नहीं कराना चाहते हैं आप मत कराइए। आप उसके बाद भी जा सकते हैं जो लो चार्जेस करके नए नए प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लो प्रैक्टिस, लो चार्जेस करके वो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे। नॉट गोइंग टू हैपन। तो ऐसी स्टुपिडिटी मत कीजिएगा, अपने चार्जेस फिक्स रखिए, उस पर डिसिप्लिन से चलिए।